हेलो स्टूडेंट्स, पिछली पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अब आइडेंटिटी सेकंड पढ़ेंगे हम। आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज मैंने बता दिया था कि आइडेंटिटी फर्स्ट क्या है और उसको यूज कैसे करना है। अब सीखो आइडेंटिटी सेकंड क्या है और उसको यूज कैसे करना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जैसा कि हमने आइडेंटिटी फर्स्ट में बताया था कि अगर साइन इनवर्स के साथ साइन एक्स आ गया तो ये एक्स हो जाता है। एक कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशन क्या है कि साइन का कोई भी कोफिशियंट नहीं होना चाहिए। अगर इस साइन का कोई कोफिशियंट होगा, जैसे 2 हो गया, तब यह आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इवन यहां पे अगर माइनस साइन भी आ गया ना, तो ये जो आइडेंटिटी हमने लिखा था, अब आप इसको सॉल्व, मतलब आइडेंटिटी सेकंड इसमें लगाओगे, इसके आगे माइनस 1 इसका कोफिशियंट हो गया, तो आइडेंटिटी फर्स्ट हो गया फेल। आइडेंटिटी सेकंड में हमें सीखना है कि अगर इनवर्स फंक्शन के एंगल में माइनस आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उस माइनस को कैसे हटाना चाहिए। अब थोड़ी देर पहले तुमने देखा था आइडेंटिटी फर्स्ट में कि साइन इनवर्स 1/2 था, हमने इसको लिख दिया साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, पाई बाई 6 तुम्हारा आंसर हो गया। लेकिन जरा सोचो कि अगर साइन इनवर्स के एंगल में माइनस का 1/2 आ गया, अब क्या करोगे। तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो इस माइनस के साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये आपको बताएगा आइडेंटिटी सेकंड। इसके लिए वॉच करो, मैं बताता हूं अभी आइडेंटिटी सेकंड, ध्यान दो। यहां पे दूसरी आइडेंटिटी क्या कहता है ये देखोगे। तो ये आइडेंटिटी सेकंड बोलता है, ये कहता है कि अगर साइन इनवर्स के एंगल में माइनस आ गया तो ये साइन इनवर्स माइनस को नहीं खा पाता, ये माइनस सीधे बाहर आ जाएगा, यानी माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ऐसा किसके किसके साथ होता है, साइन के साथ, टेन के साथ और कोसेक के साथ। यानी अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स हो गया तो ये माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स अगर हो गया तो ये माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। बाकी तीन में क्या होता है, तीन और बच गए, कॉस बच गया, कॉट बच गया, सेक बच गया। तो अगर कॉस इनवर्स के एंगल में माइनस आ गया तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लग जाता है। अच्छा, यहां पे माइनस आ गया, यहां पाई माइनस लग रहा है, क्या रीजन है इसका, ये रीजन भी हम पढ़ाएंगे। कॉन्टिन्यूटी में आप वीडियोस वॉच करते रहिए, ये लॉजिक हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा और इनवर्स में नॉलेज डेवलप हो जाए उसके बाद। सिमिलरली जैसा कॉस इनवर्स के साथ होता है, अगर सेक इनवर्स के एंगल में माइनस एक्स आ गया तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और कॉट इनवर्स के एंगल में अगर माइनस एक्स आ गया तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। बता रहा हूं मैं, कसम खा लो कि इनवर्स के एंगल में अगर माइनस दिख गया तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, इन आइडेंटिटीज को यूज करना, उसके बाद तभी आप आगे कुछ सोचोगे, इनवर्स को मारने के बारे में सोचोगे। जब तक ये माइनस एंगल में रहेगा आप इनवर्स को गायब नहीं कर सकते, अगर आपने इन आइडेंटिटीज का यूज नहीं किया है। अब मैं इनको अप्लाई करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो, जरूर समझ में आएगा। यहां देखो, जैसे क्वेश्चन आ गया, इवैल्यूएट 2 साइन इनवर्स √3/2 प्लस 1/2 कॉट इनवर्स -1 माइनस 2/5 सेक इनवर्स -2। ध्यान से इसका सॉल्यूशन देख लोगे तो ये दो आइडेंटिटीज तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। यानी आप लोग दो आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आराम से सॉल्व कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं होगा। कैसे सॉल्व करना है देखो, अब ये नहीं कि मैं आइडेंटिटी सेकंड पढ़ा रहा हूं तो तुमने एंगल को देखा नहीं, एंगल पे ध्यान नहीं दिया, उठा के आइडेंटिटी लगा दिया। पहले ये देखना है कि किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में माइनस है, किसमें माइनस नहीं है। जिसमें माइनस नहीं है वो तो सीधा सीधा मर जाएगा, जिसमें माइनस होगा
वहीं पे ये आइडेंटिटी आपको अप्लाई करना होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, टू साइन इनवर्स ये रूट थ्री बाई टू दिया है, इसके एंगल में माइनस नहीं है, कोई पंगा नहीं है, लेकिन देखो कॉट इनवर्स के एंगल में माइनस है। अब यहां आ जाओ, अगर कॉट इनवर्स के एंगल में माइनस होता है तो पाई माइनस लगाना पड़ता है। इस माइनस को सिर्फ गायब करने के लिए आप क्या करोगे, वन बाई टू के बाद एक कर्ली ब्रैकेट लगाओ और यहां पे ये आइडेंटिटी लगा दो, यहां पे एक्स की जगह पे वन। तो अगर आप कॉट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते हो तो कॉट इनवर्स माइनस वन को क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स वन। अब सेक इनवर्स के एंगल में भी माइनस है, तो अब ये देखना है कि इसमें पाई माइनस लगता है कि नहीं। आ जाओ सेक को ढूंढते हैं, ये रहा सेक, सेक इनवर्स के एंगल में अगर माइनस है तो यहां भी पाई माइनस लगाना पड़ता है, यानी ये जो इसका कोफिशियंट 2/5 है इसको एज इट इज लिखो, कर्ली ब्रैकेट लगाओ और सेक इनवर्स के जगह पे ये माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम इनवर्स को मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखो इसमें भी माइनस नहीं है, इसमें भी माइनस नहीं है, इसमें भी माइनस नहीं है। अब हम ढूंढेंगे कि टेबल में इनकी वैल्यूज कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ये 2 हो गया, ये साइन इनवर्स हो गया, अब साइन के टेबल में रूट थ्री बाई टू कब आता है, 60 पे, तो 60 नहीं लिखना, यहां लिखना है साइन 60, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू, इसकी जगह पे लिखना है ना, साइन 60 का वैल्यू रूट थ्री बाई टू होता है, सिर्फ 60 का वैल्यू रूट थ्री बाई टू नहीं होता है। ये हो गया 1/2 इंटू पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब कॉट के टेबल में 1 कब आता है बताओ भाई, अरे तुम लोग मूरत की तरह बैठे रहोगे कुछ बोलोगे भी, हाँ बिल्कुल सही, कॉट 45 1 होता है, यानी यहां लिखोगे कॉट पाई बाई 4। ये 2/5 एज इट इज लिखो, पाई भी लिखो। अब सेक के टेबल में देखो कि सेक के टेबल में 2 कब आता है, तो तुमने देखा होगा कॉस के टेबल में 1/2 कब आता है, पाई बाई 3, 1/2 का रेसिप्रोकल ही तो होता है 2, यानी सेक के टेबल में 2 कब आएगा, पाई बाई 3 पे, सेक इनवर्स ये हो गया सेक पाई बाई 3, काम हो चुका है। अब सिर्फ ये इनवर्स इसको खा जाएगा, ये इनवर्स इसको खा जाएगा, ये इनवर्स इसको खा जाएगा, उसके बाद कैलकुलेशन बचेगा बस, यानी जब ये इनवर्स इसको खा जाएगा तो क्या बचेगा, 2 × π/3। पाई को एज इट इज लिख दो, माइनस भी लिख दो, ये कॉट इनवर्स कॉट को खा जाएगा तो पाई बाई 4 बचेगा, माइनस 2/5 पाई माइनस सेक इनवर्स सेक को खा जाएगा, यहां पाई बाई 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2π/3 प्लस 1/2। अब इसको कैलकुलेट कर लो एलसीएम लेके, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 से पाई का इंटू करोगे 4π, माइनस 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आ गया, 1 का पाई से इंटू कर दोगे पाई, अरे फ्रैक्शन का जोड़ घटाव तो आता ही होगा, ये हो गया माइनस का 2/5, इसका एलसीएम हो गया 3, 3 का पाई से इंटू करोगे 3π, माइनस का हो गया पाई, यानी ये क्या मिला, 2π/3 प्लस 1/2 इंटू 4π में से पाई घटाओ, 3π/4 माइनस 2/5 इंटू 3π में से पाई को घटा दो, कितना बचेगा, 2π/3, ये आ गया 2π/3, ये कितना आएगा, 3π का 1 से इंटू करोगे 3π, 2 × 4 = 8 माइनस 2 × 2 = 4π और 5 और 3 का प्रोडक्ट हो गया 15। अब आप इन तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा तीनों का, 3 का, 8 का और 15 का, एलसीएम निकालने तुम लोग को आता होगा, 12th में आ चुके हो, 3, 8 और 15 का एलसीएम होगा 120। 120 को 3 से डिवाइड करोगे 40 आ गया, 40 को 2π से इंटू करोगे
तो आ गया 80 पाई प्लस 120 को 8 से डिवाइड करोगे 15 आ गया, 15 को 3 पाई से डिवाइड करोगे 45 पाई, माइनस 120 को 15 से डिवाइड करोगे 8 आ गया, 8 का 4 पाई से इंटू करोगे 84 जा 32 पाई। कैलकुलेट करो 80 और 45 125 माइनस 32 आ गया 93 पाई अपॉन 120। अब ये देखो ये 3 से कटने वाली संख्या है, ये भी 3 से कटने वाली संख्या है, कट रहा है ना, काट दो 3 से, ऊपर आ जाएगा 31 पाई, नीचे 3 से काटोगे 40 आ गया और ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो बेटा जब कभी भी एंगल में तुम्हें माइनस दिख जाए तुम्हें इस सेकंड आइडेंटिटी का यूज करना है, अगर माइनस नहीं दिख रहा है तब सीधे तुम इनवर्स को मारने की कोशिश करोगे। ये था आइडेंटिटी सेकंड, और मेरे को लगता है कि अगर इसको तुमने समझ लिया होगा तो अब अपने एनसीईआरटी की बुक से जो आपका एक्सरसाइज 2.1 होगा कम्प्लीटली 14 क्वेश्चन उसमें होंगे, 14 के 14 क्वेश्चन तुम आराम से कर दोगे, कहीं तुम्हारा एक भी डाउट नहीं आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली जो वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे आपको आइडेंटिटी 3 और कुछ स्पेशल प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं होता है।